तो आप भाई बस्ती के लोगों, तो क्या हाल चाल करता हूँ, क्या बढ़िया और अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने 65K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दी, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो आज के वीडियो में हम अशोक लेलैंड 3718 लॉ रिमोट का रिव्यू करेंगे। तो इस लॉ रिमोट को सीजे प्रोजेक्ट और IBS गेमिंग चैनल ने बनाया है और इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पिलवा रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटे को भी जरूर दबाएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें क्योंकि हम उधर भी ड्राइंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंजन साउंड को देखेंगे, तो चलो इसके इंजन साउंड की ओर। तो भाई लोग, आप लोगों को कुछ इस तरह का ओवरऑल एक्सटीरियर लुक देखने को मिलेगा। तो आगे का टेल यूनिट बहुत ही बढ़िया है और पीछे का टेल यूनिट भी बहुत ही डिटेल्ड है, तो आपको एक बढ़िया सा ओवरऑल एक्सटीरियर देखने को मिलता है और आपको एक्सटीरियर में थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट्स भी देखने को मिलता है। इसका ओवरऑल डिटेलिंग बहुत ही कमाल का है और डोर एम्बिशन से गो ड्राइवर साइड का डोर ओपन होता है, इसका भी इफेक्ट अच्छा है और आपको गो ड्राइवर साइड के डोर पर भी अच्छा खासा डिटेलिंग देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कमाल का है। और इस मोड में आपको 3 तरह के एनिमेशन की देखने को मिलेगा, तो पहले वाले एनिमेशन से ड्राइवर साइड का डोर ओपन होता है, इसका इफेक्ट आप इधर देख सकते हो। इसका ओवरऑल इफेक्ट अच्छा है और आपको एक बढ़िया सा डिटेलिंग देखने को मिलता है ड्राइवर साइड की डोर के अंदर भी, जो कि बहुत ही कमाल का है। तो ओवरऑल डिटेलिंग में ये मोड बहुत ही कमाल का है और बहुत ही बढ़िया है। और दूसरे वाले एनिमेशन से वो स्क्रीन नीचे जाता है, मतलब आपको कुछ इस तरह का एक स्क्रीन देखने को मिलेगा, एक नेट टाइप का, वो नीचे जाता है। और तीसरे वाले एमजी से विंडोज़ ओपन होती है, इसका इफेक्ट आप इधर देख सकते हो। इसका ओवरऑल इफेक्ट अच्छा है, तो आपको एक बढ़िया सा एनिमेशन की देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मोड बहुत ही कमाल का है, एक बढ़िया सा एक्सटीरियर लुक और साथ साथ इसका इंटीरियर लुक भी बहुत ही तगड़ा है, आपको एक अच्छा खासा इंटीरियर लुक देखने को मिलता है। तो आप इधर देख सकते हो, आपको एक बढ़िया सा कैबिन देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसका डिटेलिंग बहुत ही कमाल का है, आपको एक अच्छा खासा डिटेलिंग देखने को मिलता है इस मोड में। तो इसका ओवरऑल लुक बहुत ही कमाल का है, आपको एक अच्छा खासा डिटेल देखने को मिलेगा इसके डैशबोर्ड पर भी और ओवरऑल डैशबोर्ड का लेआउट भी बहुत ही कमाल का है और आपको सभी प्रकार के डिटेल देखने को मिलेगा इस मोड में, जो कि बहुत ही कमाल का है। और आपको कुछ इस तरह का ड्राइंग एंगल देखने को मिलता है, ये भी बढ़िया है। तो आपको दोनों ओर भी हम एक ही फ्रेम में देखने को नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल चलाने में ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आएगा, आप इसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। तो इसका ड्राइंग एंगल सही है, स्पीड भी बढ़िया है, ब्रेकिंग भी अच्छा है और ओवरऑल बहुत ही स्टेबल है। इसका ओवरऑल स्टीयरिंग फीडबैक भी कमाल का है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में भी बहुत ही कमाल का है। तो इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है और आपको इसके विंडशील्ड पर रियलिस्टिक रेन इफेक्ट और साथ साथ वाइपर सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि और भी बढ़िया है। तो आपको इस मोड में ड्राइवर देखने को मिलता है, लेकिन आपको कोई भी को ड्राइवर देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल इसका इंटीरियर भी अच्छा है, एक्सटीरियर भी बढ़िया है और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही कमाल का है। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा, मुझे तो बढ़िया लगा। और अगर आपके पास कोई भी मॉडरेटेड इश्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो पसंद आएगी, तो अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो आज के लिए मैं इतना ही था, मैं आप सबसे में मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।